दोस्तों बिहार में बिहार पुलिस का जो है काफ़ी शानदार भर्ती निकल कर आ रही है। बिहार पुलिस को लेकर काफ़ी शानदार भर्ती निकाली कर आ रही है, जो 1,22,703 पदों पर ये बहाली निकल कर आने वाली है। 1,22,703 पदों पर इस बहाली निकल कर आने वाली है। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आने वाली है, जैसे कि आपका ड्राइवर हो गया, आपका कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, दरोगा हो गया, तो ये सब को लेकर ये सब डिपार्टमेंट में बहाली निकल कर वाली हैं, तो आने वाली है। तो ऐसे में आप क्वालिफिकेशन जान लें, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप 12th पास हैं तो इसी में आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तो ऐसे में आप अपना ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और अगर आप स्नातक पास है तो इसे हम अपना दरोगा के लिए भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में ये क्वालिफिकेशन है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में इस तरह से इसका बहाली जो है 1,22,703 पदों पर ये बहाली निकल कर आने वाली है। तो ये तमाम जानकारी को समझेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी आपको समझ आएगा क्या कुछ इसमें जानकारी दिया गया है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको और विस्तार से हम समझाते हैं कि क्या कितना आपको बहाली रहने वाला है, क्या इतना आपका दौड़ रहने वाला है, तो ये तमाम जानकारी को हम समझेंगे। चलिए हम उसने अपने स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको हम विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद देख सकते हैं हम ये ट्विटर हैंडल पर है, जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पर है, ट्विटर अकाउंट पर है, जो इसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर अकाउंट पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नौकरी की भरमार युवाओं हो जाओ तैयार। यहाँ पर बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली, जल्द होगी पुलिस की बहाली। तो ये जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, मतलब कि नीतीश कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनके द्वारा ये जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,22,703 पदों पर ये बहाली निकलने वाली है, आपका जो है बहाली निकलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो भी अपडेट आता है, तो ये ऑफिशियल, ये नहीं किया है फेक अपडेट है, तो ये ऑफिशियल अपडेट है। तो आपका ये बहाली जरूर आपका निकलने वाली है, 1,22,703 पदों पर ये बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द पुलिस की बहाली आपको निकलने वाली है। इसमें आपका जैसे कि आपका क्या 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 बहाली निकलने वाले हैं तो आगे हम बताएं, तो बाकी आप समझ लें कि आपका जो है कांस्टेबल का निकलने वाले है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, पुलिस इंस्पेक्टर का, ड्राइवर कांस्टेबल का बहाली निकालने वाले, बाकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। अगर आप कांस्टेबल से भरना चाहते हैं तो आप 10+2 पास होना चाहिए, और पुलिस सब इंस्पेक्टर से भर रहे हैं, अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर का भर रहे हैं तो इसे में स्नातक पास होना चाहिए, पुलिस इंस्पेक्टर का भर रहे हैं तो स्नातक इसमें भी पास होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस बनना से भर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग कांस्टेबल को भर रहे हैं, अपना ड्राइविंग कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसे में इंटरमीडिएट एवं ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सब आपका क्वालिफिकेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये योग्यता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एज लिमिट यहाँ पर आपका बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 27 साल, 18 साल, इस तरह से न्यूनतम आयु यहाँ पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 का फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब कि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी आप जरूर जान लें। यहाँ पर फिजिकल मेल कैंडिडेट का बात करें तो मेल कैंडिडेट का ये यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी ये रखा गया है कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो आपको पूरा करना होगा 6 मिनट में, आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 6 मिनट में आपको दौड़ करना हो। तो आप अपना दौड़ अवश्य स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका शानदार बहाली निकल कर आ रही है बिहार पुलिस को के लेकर, तो अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दें दौड़ को लेकर। और यहाँ पर गोला फेंक, जिसमें आपको 16 पाउंड का गोला, कम से कम 16 फीट कितना होगा इस, जिसमें आपको 3 चांस मिलेगा, आपका जो 16 फीट गोला फेंकना होगा, 16 पाउंड का जो गोला होगा, कम से कम आपको 16 फीट फेंकना होगा, उसमें आपको 3 चांस मिलने वाला है। और हाई जंप का आप बात करें तो कम से कम आपको 4 फीट में 3 चांस आपको मिलने वाला है, 4 फीट में आपको 3 चांस में मिलने वाला। तो ये मेल कैंडिडेट का, तो मेल कैंडिडेट का, तो बाकी आप फीमेल कैंडिडेट का आप जान लें, फीमेल कैंडिडेट का क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट का 1 किलोमीटर रेस है, 5 मिनट में पूरा करना है, 1 किलोमीटर रेस है, 5 मिनट में इनको पूरा करना है। गोला फेंक जो है 12 पाउंड का गोला कम से कम 12
फिट तीन चांसेस को भी तीन चांस भी मिलने वाला है हाई जंप में, 3 फिट तीन चांसेस को मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी ये रहता है मेल और फीमेल कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आप ये आपको देखकर समझ ही गएंगे, बाकी आप समझ ही गए कि ये सब जानकारी आपको क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है। तो ये सब जानकारी आपको आपको समझ में आके होगा। बाकी ये जो बहाली निकल कर आई है ऑफिशियल तौर पर ये बहाली है, क्योंकि ये कि जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल तौर पर जो भी बहाली यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपडेट दिया जाता है तो ये सही अपडेट नहीं रहता। ये नहीं कि आप फेक अपडेट समझ लें, क्योंकि ये आपका सही अपडेट है। तो उम्मीद होगा कि आपको यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।